गाइस आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके दार वो मूवी के ब्रह्मानंदम एंड रवि तेजा कॉमेडी सीन का रिएक्शन। एंड जैसे हम कॉमेडी सीन्स कर रहे हैं तो उसमें जो है ब्रह्मानंद सर की तो लिस्ट ही बनती जा रही है मेरे पास। एक्चुअली इतने सारे लोग जो है, इतने सारी मूवीज उनकी बताई जा रही है, तो उनमें से ये भी एक और है कि दारू मूवी करके है। एंड लाइक इस मूवी का मतलब, दारू का मतलब भी कुछ मास होता है, वर्ड ऑफ मास ऐसा कुछ था, साउंड ऑफ मास, तो लाइक नाम भी ऐसा ही है। एंड साथ में जो है रवि तेजा सर और ऊपर से ब्रह्मानंद सर, इन दोनों की मेरे को याद है हमने लास्ट वो देखी थी जब ये दोनों मीडिया में काम कर रहे थे। एंड वो वाली मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, पर वो ऐसे ही था, तो वो मीडिया में काम कर रहे थे, तो वो भी बहुत फनी थी जिस तरीके से दोनों का एक सामने आमने लड़ाई होती थी वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं रवि तेजा सर जो थे वो इनके काइंड ऑफ कैसे थे, नीचे थे, और ब्रह्मानंद सर बॉस बने हुए थे उसमें, एंड इनकी मस्ती ले रहे थे। तो यहाँ पे कैसा होता है वो चीज देख लायक। ये मूवी के डायरेक्टर है शिवा और ये रिलीज हुई थी 2012 में। एंड ब्रह्मानंद सर के सीन्स तो हम ऑलरेडी इतने सारे देख चुके हैं कि अब हमें पता ही चल गया कि उनके सीन कॉमेडी अच्छे ही होते हैं। एंड इनकी, इन दोनों की हमने और पहले मूवी भी देखी है काफी, एक दो मूवी है इनके साथ में शायद। एंड इनके सीन्स देखने में बहुत मजा आता है। लाइक रवि तेजा सर की आई नो फाइटिंग सीन्स काफी मजेदार रहते हैं, बट कॉमेडी सीन्स भी उतने होते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में, उसमें भी हंसी आती है। और अब इसमें ये दोनों फिर से साथ दिखने वाले, तो देख लेते हैं कि इस सीन में क्या होने वाला है। काफी कमाल का होगा, फिर आप भी देखो, हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। वापसी पर नू क्या कर उन दोनों में से किसी एक की एंट्री हो रही है। नहीं मास्टर ले मास्टर कैसे वो गिर गए डांस को पंपना ना वंटा डांस क्लास अटेंड नहीं करने दे रहा असल में डांस अटेंड तो सिर्फ रहा टकेटा ये तो पूछ ये कथकली रहा ऐसे तो नहीं होता है चप्परा लुक एंटी मास्टर एंटी मास्टर विडु रे मनी संपादించే వాడు మగాడు కాదురా మనసు గెలుచుకునేవాడు మగాడు ఐ లవ్ యు ఏక తీసేమని అన్ని సార్లు చెప్పాను రే రే మళ్ళీ పేపర్ అంటే అంటరా లోఫర్ నేనే మాట్లాడుతున్నాను నువ్వే మాట్లాడుతున్నావురా మీరేనే చెప్పండి మాస్టర్ నేనేం మాట్లాడుతున్నాను వాడే మాట్లాడుతున్నాడు మాస్టర్ మీరు చెప్పండి మాస్టర్ మర్డర్ చేశాక వెంటనే బాడీ తీసేమని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ఇప్పటి వరకు నేను మాట్లాడింది శవంతోనా డెడ్ మ్యాన్ సే బాత్ కర్ రహే టూ సేఫ్ టూ ఫార్ దరిద్రుడిని అయ్యా తెలుసో తెలియకో తప్పు మాట్లాడితే క్షమించండి మనసు మనిషి అని మీరు కోపంలో కన్ఫ్యూజ్ మనీ సంపాదించేవాడు మగాడు కాదు మనసు గెలుచుకునేవాడే మగాడు నీ ఫిలాసఫీ నాకు నచ్చు నేను కూడా శ్వేతాని హ్యాపీగా ఉంచాలనుకుంటున్నాను పూరా ఇన్సాన్ జితనా సుబ సుబ బహుత్ హుషారి హై రే ఎక్కడికి రాజా మంచి ఆ గయ రవి తేజా భై శ్వేత గుర్తొచ్చిందిరా రాత్రి ఓ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ అన్నావు మాస్టర్ కి గైడ్ హోక్ ది కిస్మత్ భీ దేఖో నేను చెప్పిన దాని గురించి ఏ ఆలోచించో ఏ ఆలోచించో మళ్ళీ గుర్తిస్తాను ఐ లవ్ యు ఏంటి అంత మగాడువా నువ్వు అంత పోటీ చంపేస్తావా ఎవడరా నువ్వు బాధ్యత కలిగిన భారతీయ అనిపించట్లేదు ఎలా అనిపిస్తుంది అట్టొచ్చిన కళ్ళని గుద్దేయటం కనబడిన అమ్మాయిలు ఏడ్పించటం రోడ్డు మీద అమ్మాయిలు తిరగని పర్రా ये लग रहा है रवि तेजा से मार खाएंगे वैसे भी उनके हाथ तो पकड़े हुए हैं
బతుకుండగా ఆ అమ్మాయి నీడను కూడా తాకలేవురా ये इनके लोग इतना इनको पकड़ क्यों रहे, इनको बचाने के लिए पकड़ रहे होंगे। कहाँ माचो मैन थे मुंदी पट्टी का बुलाने ये तो चाहिए शॉट मैंने कुछ करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, ये तो उनका दोस्त नहीं लग रहा। इनका दोस्त देखना कैसा लग रहा है। నిన్ను బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు ఏంటి, నాకు తెలియకుండా వీళ్ళు కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నావా? ఏం చూసుకోని నా పాటలు అంత లేడు తామరాక మీద నీటి బొట్టు లాంటి వాడిని రా, ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంత మంది వచ్చినారని టెంప్ట్ చేయలేరు. యు నో మై ఏజ్ 45 స్టిల్ వర్జిన్ టు వర్జిన్ ఉంటాయి స్టిల్ వర్జిన్ యు నో क्या करना चाह रहे हैं? क्या हो रहा है? अरे आंख खोल के हट रही है। बोलो मेरे बड़े ना देख पे जरा बोलो कहते हैं कि गोमर के लिए बेचे सारी का ये तो तेरी तंगा सुकुमार रंगा मेरे जिंदा बना। ओह बहुत सेंसिटिव है। सुन्नी तंगा मेरे जिंदा चिंपांजी की चीर कटने थी कौन से बिहार लेता ना सटार लो अम्मा जय टीवी जबरी टीवी ई टीवी सन टीवी टीवी चैनल से पिलर उठा रही थी इधर वाला पक्ष अब उनको अपनी साइड ले लिया। ऐसा लग रहा था लास्ट में वो दोनों खुद ही बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। जिस तरीके से वो दोनों बैठ के उसे हंस रहे थे ना, मेरे को ऐसा लग रहा है इसके इस सीन के कट होते ही वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत हंसे होंगे। बिकॉज जिस तरीके से रवि तेजा सर और प्रबंधन सर एक दूसरे को छेड़ रहे थे ना, वो एक अलग ही मजा आ रही थी। एंड वो मतलब वो एक पूरा मैडनेस वाला सीन था। वो जो मंदिर वाला सीन था ना, मतलब आप वो दो मिनट तो ग्रास करने लगे क्या हो रहा है। वो लड़की आ रही है, वो पहले बोल रहे मेरा रेप हो रहा है, फिर यहाँ पे इनके कपड़े फाड़ जाए। वो मसी तो वो बहुत डायलॉग था कि तू उसका रेप कर रहा है, मेरा कर रहा है, मेरे कपड़े क्यों फाड़ रहा है। एंड फिर वहाँ जाके एक धक्का पड़ रहा है तो वो फूल पे गिर रही है। मतलब इतनी क्या ओवर सेंसिटिव लड़की है कि मतलब फूल पे गिरने के बाद उसका सर फूट जाता है। भाई उन्होंने पूछा भी कि फूल पे गिरी है कुछ नहीं होगा, तो वो उन्होंने बोला ना इसे यहाँ चिन पे लगने से कोमा में चली गई थी। एंड बाद में भी देखा था उनका हाथ ऐसे रखा था, हाथ ऐसे बाउंस हो गया था। लाइक कुछ ज्यादा ही टेंड, ज्यादा ही सॉफ्ट बताया गया था उस लेडी को। एंड आई डोंट नो उनके बीच में क्या रिलेशन था, बट वो गिरने के बाद रवि तेजा सर को आवाज दे रही थी है ना। पहले उनसे भाग रही थी बच के, एंड देन उन्हें आवाज दे रही थी। मुझे एक्चुअली में लग ही रहा है कि ये है ना उन्हें फंसाने के लिए। हाँ, तो वही था ना, उनका दोस्त ही लड़की बन के आया था वैसे करके। एंड वो रवि 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 कर रहा था, एंड उस तरीके से जब वो मरा भी तो उसके बाद जैसे वो बात कर रहे थे, वो लास्ट में ऐसे आँख झपकाया तो लाइक वो जिंदा ही, मतलब वो मस्ती करने के लिए दिखा रहे, पर उसने वहाँ पे भी सीरियसनेस नहीं दिखाई थी। वो भी कॉमेडी चला था। स्टार्टिंग का सीन था वो भी अच्छा था, जब वो उन्हें लेने आए थे तापसी पन्नू को, तो पहले वो इतना एटीट्यूड अपना दिखा रहे थे कि आई एम अ डांसर एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट डांस, एंड बड़े बड़े डायलॉग भी बोल रहे थे। एंड जैसे ही पता चला यहाँ पे एक इंसान को चक्कू मार के बिठा रखा है उनकी
वो काफी ज्यादा डर गए थे, उनके फेस पे दिख रहा था वो चीज, और फिर जो उन्होंने उनके सामने पैर पड़े हाथ जोड़े कि उन्हें वो बचा के रखेंगे हर लोग से, बट अब वो उन्हें रवि तेजा से कैसे बचाएंगे वो देखने लायक। इवन वो गुंडे का भी समझ नहीं आया कि पहले पूरी तरह से मना कर दिया, लास्ट में जाके बोलता है कि ठीक है मुझे पैशन अच्छा लगा अब जादू सीख ले डांस, और एकदम से आराम से बेचते, बस इतना बोला कि कोई लड़का इसके आस पास नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल से रवि तेजा और इनकी कहीं ना कहीं बाद में जाके फाइट होगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा देखने के लिए। आप लोग कैसे लगा क्वेश्चन जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।